द फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज ए ओनली जो है ऑप्शन वो सही है ए हमारा क्या है रेप्लिकेशन इन यूकेरियोटिक क्रोमोसोम फ्रॉम द ओरिजिन इज इनिशिएटेड मल्टीपल टाइम इन ईच सेल साइकिल व्हाइल इट इज इनिशिएटेड ओनली वंस इन ईच से ओरिजिन इन बैक्टीरियल क्रोमोजोम तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है इन करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन टू हमारा हैलम ए एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टर्म इन कॉलम बी मै द फॉलोइंग है फर्स्ट हमारा दे रखा है बल्क सेग्रीगेट एनालिसिस दूसरा एन आई एल एस तीसरा एसोसिएटेड मैपिंग एंड फोर्थ हमारा एस एन पीज इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट बताया गया जिसमें ए का हमारा सेकेंड होगा बी का हमारा फोर्थ होगा सी का हमारा फर्स्ट होगा और डी का हमारा थर्ड होगा अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा है को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स इन एन एरिया इज पॉसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से ऑप्शन नंबर टू जो है लो नेश ओवरलैप एंड हाई नेश डिफ्रेंशिएशन जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में है एक्सप्रेशन ऑफ जीन ए is regulated by mg2+ the expression of gene a in untreated un and cells treated with mg2+ that is represented by t was analyzed by northern hybridization and western blotting a similar exercise was done for a mutant एम यू टी विच वॉज आइसोलेटेड विद दिक्स स्पेस पेयर डिलीशन इन फाइव यू टी आर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन ए द फॉलोइंग आर द समरी ऑफ फोर पॉसिबल रिजल्ट दैट आर हाइपोसिथाइज टू बी ऑबटेन इसमें से हमें बताना है कौन सा हमारा करेक्ट रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू आंसर की हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ए एंडी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है Fifth question: The Hill equation and its plot describe the following enzyme kinetics behavior: a. Saturation kinetics, b. Cooperative kinetics, c. Log V I V max minus V I versus log S, d. Log V max minus V I slash V I versus log S. Which one of the following combination represent correct description? इसमें ऑप्शन नंबर टू दैट इज बी एंड सी को करेक्ट बताया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स है थ्री स्ट्रेन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया वर फॉन टू एक्सप्रेस प्रोटीन मिमिकिंग ह्यूमन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लीमेंट पाथवे बैक्टीरियम एक्स एक्सप्रेस ऑन इट्स सरफेस प्रोटीन मिमिकिंग डीके एसिलेटिंग फैक्टर डी एफ एंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर सी आर वन बैक्टीरियम वाई सेक्रेटेड प्रोटीन दैट मिमिक्ड प्रोटीन एस ऑफ ह्यूमन एंड बैक्टीरियम जेड सेक्रेटेड प्रोटीन दैट मिमिक्ड फैक्टर वन एक्टिविटी गिवन बिलो आर स्टेटमेंट ऑन द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ऑन दीज पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो मैं तुम्हारा सेकंड ऑप्शन जो है बैक्टीरियम वाई विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सी थ्री कन्वर्टेज ऑन इट्स सर्फेस बाई लेक्टिन पाथवे जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंस कोरल ब्लीचिंग राइजिंग सी लेवल शिफ्ट इन स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन लोअरिंग ऑफ सी लेवल एंड इंक्रीज इन ग्लेशियर शीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टर्बेंसिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर टू दैट इज ए बी एन सी करेक्ट है ए बी एन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेरियस मोलिकुलर टेक्निक इसमें हमें दे रखे हैं चार स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी और इन स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम अगर आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज सी एंड डी आएगा सी और डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है नाइन्थ क्वेश्चन है अ फील्ड बायोलॉजिस्ट सैम्पलिंग थ्री स्पीशीज इन अ फॉरेस्ट एरिया टू एस्टिमेट ट्री डाइवर्सिटी वॉट मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू डिसाइड इफ हीज सैम्पलिंग एफर्ट इज एडूक्ट टू एस्टीमेट द टी डाइवर्सिटी इन एरिया तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर टू दैट इज सैचुरेशन यूजिंग द स्पीशीज एक्मलेन करव जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं एन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म टू इंट्रोड्यूस अ ट्रांसनिक ट्रेड इन अ क्रॉप बाई एग्रो बैक्टीरिया मेडिएटेडेशन यूजिंग अ ट्रांजीन कंस्ट्रक्ट इट विज द ट्रांसिन वॉज एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सी ए एम वी थर्टी फाइव एस प्रोमोटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द ट्रांजनिक प्रोटीन वर वेरी लो इन ऑल ट्रांजनिक प्लान वाइल्ड ट्रांजिन एम आर एन ए लेल वर हाई एंड वेरिएबल अमंग द डिफरेंट प्लान्टर्दर डिफरेंट ट्रांजनिक लाइन कंटेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टी डी एन ए इंसर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड टू एक्सप्लेन दब्जरवेशन तो इसमें हमको स्टेटमेंट देखना है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट ये बताना है तो यहाँ पे हमें जो कि आंसर की में मैंशन है वो ऑप्शन नंबर फोर है बी ओनली बी जो है बस हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इलेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं अ रिसर्चर डेवलप्ड अ म्यूटेंट ऑफ अरेबडोपसिस प्लान वेयर द फंक्शन ऑफ स्लीपी वन एस एल वाई वन कंटेनिंग एस सी एफ कॉम्प्लेक्स हैज़ बिन डिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन द डेवलप्ड म्यूटेंट इन अ रिलेशन टू गिवलिक एसिड सिग्नल ट्रांसडक्शन तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड को आंसर कि मैं करेक्ट बताया गया दैट इज़ द डेला प्रोटीन विल बी यूबिक्यूटेटेड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं गिवन बिलो आर प्रपोज एनालोगस स्ट्रक्चर अमंग ऑर्गेनिज्म ए विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स बी विंग्स ऑफ बैट्स एंड टेटापोर डिजिट सी टेंड्राइल्स ऑफ विटाइस एंड टेंडल्स ऑफ पम्पकिन डी ट्यूबर्स ऑफ पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज ई फिंस ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ अ वेल इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फोर है जो कि बता रहा है ए डी और ई हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑफ फाइव स्पीशीज ए टूज बिलो ये मैट्रिक ए टू ए का बी टू बी का फिर बी और ए का सी और ए का विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज रिप्रजेंट द एक्ूरेट स्पीसीज रिलेशनशिप अमंग स्पीसीज ए टू ए एफ यूपी जी एम ए क्लस्टरिंग मेथड इज यूज फॉर द गिवे डेटा थर्टीन का जो है फोर्थ आंसर करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देख लेते हैं गिवन ब्लू आर फोर सेंटेंसेस विद ब्लैंक्स लेबल्ड एक्स वाई जेड एंड एल आरएनए पॉल वन ट्रांसक्राइब एक्स एम आई आर एन ए जीन सा ट्रांसक्राइब वाई द आर एन ए ओलिन प्लान जेड इज

जेड हमारा आर एन ए पॉल फिफ्थ होगा और एल आर एन ए पॉल टू होगा फिफ्टीन क्वेश्चन देख लेते हैं इन क्लासिकल एफिनसेन प्रोटीन फोल्डिंग एक्सपेरिमेंट द एंजाइमेटिकली एक्टिव राइबर न्यूक्लियस इज ट्रीटेड विद बीटा मरकेप्टो इथेनॉल एंड एट एम यूरिया फॉलोइंग विच इज द प्रिपेशन वॉज इस पर प्रिपरेशन पूछा गया तो फिफ्टीन का फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एंड सी विल बी

इनकरेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखते हैं द फिगर बिलो शो अ जीन डुप्लीकेशन इवेंट फॉलोड बाय अ डाइवर्जेंस इवेंट इन स्पीशीज वन एंड टू इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन दैट इज ए इज अ ऑर्थोलॉग एंड बी इज अ पैरालॉग जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है

एटीन का ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर जो है सी ओनली ये जो है करेक्ट ऑप्शन हैजूटेंट हो स्ट्रेन टेम्परेचर सेंसिटिव एंड नोन टू प्रोड्यूस क्लियर प्लेग जीनोटाइप एच एस टी सी अनदर स्ट्रेन ऑफ लेमडा wild-type allele that is h plus st plus c plus prosny were collected from the lys cell and were plated on bacteria the following number of prosny were obtained data uh, they what will be the order of the three genes and the map distance between them यहाँ पे हमें जीन ऑर्डर बताना है और जीन डिस्टेंस बताना है तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों अगर आपको जीन ऑर्डर निकालने सीखना है जो कि गेट बायोटेक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो आप आगे जो है इस चैनल के वीडियोस को देखते रहिएगा हम लोग गेट के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के हैं वीडियो वीडियोज़ जो है वो अपलोड करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया इन यू ये स्टेटमेंट है इसमें से हमें सारे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं तो ऑप्शन नंबर टू दैट इज ए बी एंड डी हमारा ए बी और डी जो है वो सारे जो है हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है तो ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर है

फोर्थ ऑप्शन हमारा है डी और ई डी है द रिसेप्टर पोटेंशियल शो ऑल और नॉन रिस्पांस ई है हमारा द रिसेप्टर पोटेंशियल इज नॉट अ ग्रेडेड पोटेंशियल ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है इसीलिए हमें इनकरेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फोर सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं इन सी एलिगेंस एक्टिवेशन ऑफ CED3 एंड CED4 प्रोटीन

कि ये बना हुआ है, हैल इनिबिट करेगा सी डी नाइन को जो इन सी डी फोर को जो एक्टिवेट करेगा CED3 को, और एपोप्टोसिस कराएगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देख लेते हैं गिवन ब्लो आर द पॉसिबल रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज इसमें ऑप्शन दे रखे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इसमें से हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन दैट कैन लीड टू द दाइस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर टू जो है वो बताया गया है ऑप्शन नंबर टू में हमारा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इंक्रीज होमोजाइगिटी ऑफ द एल और हमारा थर्ड है डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज और फोर्थ है इंक्रीजिंग डेमोग्राफिक

ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट रिगार्डिंग हमें बाई द्लाबिनेशन बताना है तो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है ए बी एन डी दट इज प्लांट रूट कैन टेक अप्रोजन इन दम ऑफ एनओ थ्री माइनस और एन एच फोर NH4 plus taken up by the plant can be directly assimilated into amino acid. NO3- can be stored in vacuole of both roots and leaves. Question number 26. Suresh was bitten by a poisonous snake and was immediately treated with anti-venom human hum immunoglobin and was saved. A year later, he was bitten by same type of snake second time.

विच वन ऑफ द फॉलोइंग सारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रिप्रेजेंट करता है कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आंसर की में करेक्ट ऑप्शन गिवेन है दैट इज एंड सी ए हमारा है रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव और सी हमारा है डेल्टा जी प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएशन क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीड जर्मिनेशन 16 सीड ऑफ अ प्लांट स्पीशीज वर सिलेक्टेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट अ टोटल ऑफ फोर टेम्परेचर ट्रीटमेंट वर प्रोवाइडेड टू सेट ऑफ फोर सीड टू स्टडी द ऑनसेट ऑफ जर्मिनेशन व्हाट वुड बी द विद इन बिटवीन एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्पेक्टिवली इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसमें ऑप्शन नंबर 4

क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं रिसर्चर इंटेंट टू स्टिमुलेट न्यूरॉन्स पाया ग्लूटामेट रिसेप्टर इन मीडियल सेप्टम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल द फॉलोइंग्रेटर्स इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी इसमें हमारा ऑप्शन पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट आइटम्स है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए बी एन सी ए हमारा स्टीरियो टैक्सिक अप्रेटर्स बी हमारा स्लो परफ्यूजन पंप और सी हमारा माइक्रो कैन्यूला थर्टी फर्स्ट है

टिश्यूज बताने हैं तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन बताया गया है दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर स्टेम कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल एंड पेरिडर्म क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देख लेते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू मेम्ब्रेन फ्यूजन रिएक्शन इन वेसिकल ट्रांसपोर्ट कैटेलाइज्ड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन स्नेयर प्रोटीन इसका ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट कंटेन करता है इसमें ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट ऑप्शन है जिसमें ए और डी मेंशन किया गया है। डी है हमारा मेम्ब्रेन फ्यूजन बाय द एनर्जी दैट इज फ्रीड व्हेन इंटरैक्टिंग हेलिसेस रैप अराउंड ईच अदर टू पुल द टुगेदर कॉन्करेंटली कॉन्टली ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटरफेस और ऑप्शन ए है द स्नेयर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एग्जिस्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री सेट विद वी स्नेयर्स ऑन वेसिकल मेम्ब्रेन एंड टी स्नेयर्स ऑन टारगेट मेम्ब्रेन ये कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर जो है करेक्ट ऑप्शन है 34 है द कंटिन्यूड एक्सप्रेशन ऑफ इनग्रेड एंड विंगलेस इज मेंटेन बाय इंटरेक्शन बिटवीन द इनग्रेड एंड विंगलेस एक्सप्रेशन सेल The following statements are given towards the initiation of cascade of events that occur for this interaction. Which combination of above statement correctly represents the maintenance of ingrailed and wingless expression? इसमें ऑप्शन नंबर फोर को करेक्ट ऑप्शन बताया गया है ऑप्शन नंबर फोर में सी और ई e स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है सी क्या है विंगलेस आर पी सिक्स प्रोटीन एंड एक्टिवेट इंग्रेल्ड जीन ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ई e है फ्रॉम सेल्स एंड बाइंड टू रिसेप्टर ऑन नेबरिंग सेल्स एंड एनेबल्स

in the non-infected tissue sa bind to npr4 and blocks the degradation of npr1 to favor cell survival question, question number 36 lete hai. species of plant species 1 is deployed 2n is equal to 6 with chromosome aabbcc and a related species species 2 is also deployed 2n is equal to 4 with chromosome ppqq द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉर गिवन बाई स्टूडेंट रिगार्डिंग द क्रोमोजोमल नंबर इन्वॉल्विंग दिस प्लांट स्पीशीज इसमें हमको करेक्ट आंसर बताना है तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू आंसर की करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी डी एन ई सी है अ मोनोजोमी एन स्पीशीज वन विल जनरेट फाइव क्रोमोजोम डी है डबल ट्राइसोमी इन स्पीसीज वन विल जनरेट एट क्रोमोजोम ई है इन विल जनरेट टू क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन देखते हैं द द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट आरकिएल सेल वॉल मेम्ब्रेन इसमें से हमको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट डेट रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आंसर की में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए एंड डी ए है हमारा सेल वॉल्स कुड स्टेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द जीनस और डी है आर्कियल सेल ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन लिंक ग्लाइसरोल बाईर लिंक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है क्रिएटोनिज्म इज रिजेक्टेड बाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजि बिकॉज इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट बताया गया दैट इज इट ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द ऑरिजिन ऑफ अडाप्टेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देख लेते हैं अ लास्ट पैच ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज डिवास्टेटेड बाय रेगिंग फायर आफ्टर सम इयर्स द एरिया वॉज फॉन टू रिकवर इट्स स्पीशीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ री इन द एरिया इसमें जो है ऑप्शन नंबर फोर जो है करेक्ट बताया दैट इज ग्रासेज हर्ब्स एंड श्रब्स एंड वुडी ट्रीज क्वेश्चन 40 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ड्रग मेटाबोलिज्म इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट बताया गया है द थेरापेटिक विंडो इज सिंपली द रेंज ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन इन विच द ड्रग हैज थेरापेटिक बेनिफिट्स विदाउट कॉजिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी रिस्क टू द ड्रग टॉक्सिसिटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लोटका वोल्टेरा कॉम्पिशन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अलाउ फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ टू कम्पिटिंग स्पीशीज इसमें ऑप्शन नंबर टू दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑफ ईच स्पीशीज इज ग्रेटर दैन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को करेक्ट बताया गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू देख लेते हैं इन रेगुलेटिंग द क्वान्टिटी ऑफ इंजाइम इट्स डिग्रेडेशन प्लेज अ पाइवोटल रोल फोलिंग स्टेटमेंट आजेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम इन ट्वेंटी सिक्स एस प्रोटिजोम फोर्टी टू में हमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट बताना है जो कि करेक्ट मोड ऑफ़ एंजाइम डिग्रेडेशन बताता है तो इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसे करेक्ट बताया गया है थर्ड ऑप्शन जो है बी एंड डी वो करेक्ट है बी क्या है द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटिटिक सबयूनिट फेस इंटीरियर ऑफ द प्रोटियोजोम सिलेंडर

प्रोलिफरेशन इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि टी एस सेल प्रोलिफरेशन कराएगा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट बताया गया है दैट इज ए वर ट्रीटेड विद माइक्रोफेजेड एंटीजन फॉर एन आर एंड देन इनक्यूबेटेड विद टी एस सेल सी माइक्रोफेज वीटेड विदा फॉर्मल डी हाइट फर्स्टेड विद डाइजेस्टेड प्रोटियोलिटिकली क्लीव्ड एंटीजन फॉर एन आर दीज माइक्रोफेज इनक्यूबेटेड विद टी एस सेल Or D. microphases were treated with the antigen for an R and then treated with paraformaldehyde. These microphases were then incubated with DS cells. Question number 44. Dekh lete. Appendix masculinia is found in. Is the first option correct? Hai, second abdominal appendages of male palomon. Question number 45. Given below is a partial coding sequence of a gene. दैट इज फाइव ए ए टी जी जी ए सी जी सी ए टी जी टी जी टी सी जी ए टी जी जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अब डी एन ए सीक्वेंस इन एनी ऑफ द थ्री पॉसिबल रीडिंग फ्रेम तो फोर्टी फाइव का ऑप्शन नंबर टू टू जो है करेक्ट बताया गया है आर्सनिक एलानिन सिस्टीन फिनलिन सीरिन और हिस्टिडीन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है प्रोग्राम सेल डेथ पी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बाले एल्योनॉन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस फाइटो हार्मोन एंड सिग्नलिंग मोलिक्यूल ए जो है गवलिक एसिड प्रमोट पी सी डी एप्ससिक एसिड पोस्पोन्स पी सी डी सी है साइकिलिकी एम पी सिग्नलिंग पोस्पोन्स पी सी डी और डी है नाइट्रिक ऑक्साइड स्केवेंज डिले पी सी डी इसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट तो उसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो करेक्ट है क्योंकि ए गिबर्लिन एसिड प्रमोट करता है पीसीडी को और एपसिटिक एसिड पीसीडी को पोस्टपोन करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में दो ग्राफ दिया गया है पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू एंड पूछा गया है इन द टू ग्राफ गिवेन अव विच वॉट डू अ ए बी सी एंड in the two given graph given above what do a b c refer to is my third option correct that is a is mode b is median and c is mean question number 48 the mammalian protein hp1 play a major role in heterochromatinization and silencing the following mutations are proposed to negatively impact hp1 function इसमें जो है हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन है और हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए सी डी को करेक्ट बताया गया ए है म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग द डी एसीटाइल दैट टारगेट एस थ्री के फोटीन ए सी सी है म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग एच पी वन क्रोमोडोमेन डी है म्यूटेशन इन एक्टिवेटिंग के एम टी वन ए मिथाइल ट्रांसफरेज़, एज हुट साइट इज एस थ्री के नाइन क्वेश्चन फोर्टी नाइन देखते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोपेंशनिटी एंड रोल ऑफ एमिनो एसिड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहाँ पे हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बताया गया दैट इज ए एंडी ए देख लेते हैं एलानिन हैज ए हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन अल्फा हेलिक और डी है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग एन ऑफ प्रोलिन में आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखते हैं रिसर्च ट्रीटेड पी लीव्स विद पी बेंजीन सल्फोनिक एसिड पी सी एम बी एस विच इनएक्टिवेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर इट वॉज ऑब्जर्व दैट फ्लोएम लोडिंग ऑफ सुक्रोज इज इनहिबिटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर टू दैट इज एपोप्लास्टिक लोडिंग इज एलिमिनेटेड जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देख लेते हैं जीन थेरेपी इज़ अ प्रोमिस टूल फॉर एड्रेसिंग सेवरल डिजीजेस इन ह्यूमन विद रिस्पेक्ट टू द अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट हमको बताना है तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो फॉल्स है द ओनली सक्सेसफुल जीन थेरेपीज आर दोज इन विच सेल्स आर रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड देन री इंट्रोड्यूस इन टू पेशेंट question number 52 the major structural characteristic of avian gastrulation is the primitive streak which becomes the blastopore lips of amniotic embryo migration through the primitive streak is controlled by fgf8 what would happen if fgf8 protein which repels migrating N cells away from the streak is overexpressed in the primitive streak 52 co option number 2 that is WNT signaling will be activated and orientation of primitive streak will change. Jo hai correct option hai. Question number 52 dekh lete. The major structural characteristic of avian gastrulation is the primitive streak which becomes the blastopore lips of amniotic embryos. Migration through the primitive streak is controlled by FGF8. What would happen if FGF8? ए फेट प्रोटीन विच रिपल्स माइग्रेटिंग सेल्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीक इज ओवर एक्सप्रेस इन प्रीमेटिव स्ट्रीक इसमें फिफ्टी टू का आंसर जो है डब्लू एन टी सिग्नलिंग ऑरियंटेशन ऑफिटिव स्ट्रीक विल चेंज इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन रेफरेंस टू सी अर्चिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज कैल्शियम प्रिवेंट डॉकिंग ऑफ कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स ऑफ एग टू द सेल मेम्ब्रेन जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर देखते हैं टेबल ब्लो लिस्ट सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन एंड देयर नोन फंक्शन इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है जो कि मैच फॉलोइंग में सारे को करेक्टली मैच करेगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए फोर के से कम कंबाइन होगा बी जो है वी वन है वो थर्ड से फॉस्फोरलाइट इन बिटवी साइट से कंबाइन होगा और सी जो है वो मैच होगा सप्रेसेस जी वन एस सी डी के एस सी डी के और पी जो है रिमेनिंग आपका सेकेंड ऑप्शन से दैट इज जी वन एस एस सी डी के एस सी डी के एक्टिविटीज़ फॉलोइंग डी एन ए से मैच होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव देख लेते हैं हाई एल्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव देख लेते हैं इन हाई एल्टीट्यूड अ नंबर ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑपरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू इंक्रीज एल्टीट्यूड टॉलरेंस इन ह्यूमन विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड एक्मटाइजेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रपोज दिस कंपनसेट चेंजेस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है डी क्या है ऑक्सीजन टू दी एच ऑफ सरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इज फर्दर इीज क्वेश्चन इम्यूनोलॉजिकल एप्लीकेशन कॉलम एक्स सेलेक्ट द टाइप ऑफ एंटीबॉडी कॉलम वाई दैट कुड बी यूज्ड इसमें भी मैच द फॉलोइंग हमको करना है फिफ्टी सिक्स का जो है ऑप्शन नंबर टू करेक्ट बताया गया दैट इज़ ए बैक्टीरियल एग्लूटिलेशन मैचिज विथ थर्ड बी ऑल्सो मैच विथ थर्ड दैट इज़ वेस्टर्न ब्रॉटिंग आइदर मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल सी मैच विद फर्स्ट दैट इज़ ओनली मोनोक्लोनल डी मैच विद सेकेंड दैट इज़ ओनली पॉलीक्लोनल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन देख लेते हैं सी जी एम पी इज प्रोड्यूस फ्रॉम जी टी पी बाय द इंजाइम ग्वनेलाइट साइक्लेज विच एग्जिस्ट इन सॉल्यूबल एंड मेम्ब्रेन बॉड फॉर्म्स फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिलेटेड टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट आर एसोसिएटेड विद सी जी एम पी सिग्नलिंग कैसकेड तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट का है दैट इज ए एंड बी ए इज एटल नेट्री फैक्टर causes natriuresis and diuresis by interacting with membrane bond form of granulate cyclase. B nitroglycerin causes smooth muscle relaxation and vasodilation by interacting with soluble form of granulate cyclase. Question number 58, Dekhte the three domain classification of life proposed by Carl Woos divide life forms on the basis of सेकेंड ऑप्शन करेक्ट बताया गया दैट इज आर एंड प्रोटीन क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं कर्ल विंग इबोनी बॉडी कलर एंड सेपिया आई एस थ्री रिसेसिव म्यूटेशन दैट अकर इन फ्रूट फ्लाइज द लुकाई ऑफ दीज म्यूटेशन है वॉट नंबर ऑफ फ्लाइज इन फिनोटाइप Class is likely to be obtained in the progeny of the test cross. This is 59th question ka hame jo hai. option number first, correct bataya. Hai. That is non recombinants will be 1250. Single crossover between C U and E will be 334. Single crossover between E and S E will be 190 and double crossover will be 26. Question number 60. Dekh lete. the statement given below referred to the lambda. फाज इसमें जो है हमें पूछा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट इज़ करेक्ट तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट बताया गया दैट इज़ बी एंड सी ओनली बी क्या है नो प्लेग्स आर फॉर्म्ड इन एन एन्यूटी म्यूटेंट्स क्लियर प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन सी टू म्यूटेंट्स सिक्सटी वन क्वेश्चन देख लेते हैं द फिगर बिलो रिप्रेजेंट अ प्रोफाइल ऑफ डी एन ए मार्कर इन टू पेरेंट्स P1 and P2, progeny F1 from a crossover between P1 and P2 and that of gamete produced from F1, eight different pattern DH1 to DH8 were observed in the case of gamete. The number below DH1 to DH8 indicate the number of individuals observed in the each case. Based on the above observation, the following statement were made. ये तीन स्टेटमेंट है इसमें से हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट है दैट इज ओनली दैट इज मार्कर बी एंड एफ आर लाइकली टू बी एलिलिक इन नेचर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू देख लेते हैं बॉडी वेट ऑफ रैबिट इज डिटर एट टू लोकाई A and B that are additive and equal in their effect. Rabbit with genotype A minus A minus B minus B minus have average 1 kg body weight, whereas the individual with genotype A plus A plus B plus B plus have animal that average 3.4 kilogram in weight. A male rabbit with A minus A minus B minus B minus is crossed with a female of genotype A plus A plus B plus B plus. वट विल बी द प्रेडिक्टेड एवरेज वेट ऑफ एफ वन प्रोजनी टू में जो है फर्स्ट आंसर करेक्ट बताया गया है ऑप्शन नंबर सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इन समशिप हॉन्स आर प्रोड्यूस बाय ऑटोजोमल एल एल एच दैट इज डोमिनेट इन मेल्स एंडसिव इन फीमेल्स

seedlings when exposed to ethylene gas source typical triple response following a certain statement regarding the triple response which one of the following combination is correct correct combination to 64 Me first option that is a b c is the correct option a is a dominant ethylene receptor mutant will not show triple response in the presence of ethylene बी इज टाइटनिंग ऑफ एपिकल हुक इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स सी इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मल्टीपल रिसेप्टर विल शो ट्रिपल रिस्पॉन्स इवन द एबसेंस ऑफ इथाइलिन क्वेश्चन नंबर गिवेन ब्लो इज ए लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स प्लांट स्पीसीज है ये वन टू लेके सिक्स तक और ये रिप्रोडक्टिव फॉर्म है जिसे हमें मैच करना है इसमें जो हमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट बताया गया है दैट इज ए जो है मैच करेगा टू से फोर से सिक्स से बी मैच करेगा हमारा बाकी के रेस्ट ऑफ दैट इज फर्स्ट से थर्ड से और फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स देखते हैं पैथोजन कंटिन्यूसली इवॉल्व स्ट्रेटजीज टू इवेड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेजन स्ट्रेटजीज लिस्टेड इन कॉमन लिस्टेड इन कॉलम एक्स मैच द प्रोटीन लिस्टेड इन कॉलम वाई विच एडोप्ट से हमें करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है तो सिक्सटी सिक्स का है जो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लेते हैं ए जो है फर्स्ट से मैच करेगा बी जो है फोर्थ से मैच करेगा सी जो है थर्ड से मैच करेगा डी सेकेंड से मैच करेगा और ई फिर से जो है हमारा फर्स्ट से मैच करेगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन देख लेते हैं फलेंसटीन स्टोन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन देख लेते हैं फलेंसटीन जोन इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री रिफर्स टू द रीजन ऑफ ट्री स्पेस वेयर वेयर Maximum parsimony will be inconsistent. Where maximum parsimony will be inconsistent, that is option number four will be correct option. Question number sixty-eight. the discharge pattern in a single different diff nerve fiber from carotid sinus at various level of mean arterial pressure (MAP) are plotted against change in the otic pressure. इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दैट इज़ एंड बी इज बैरो रिसेप्टर आर मोर सेंसिटिव टू फेसिक चेंजेस ऑफ आर्टिक प्रेशर एट नॉर्मल एम ए पी बी इज़ द रिसेप्टर फायरिंग रेट इज़ रिड्यूस एट लोअर एम ए पी इन नॉर्मल एम ए पी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन देखते हैं कैलमन सिंड्रोम जनरली एग्जिबिट गोनाडल डिस्फंक्शन इन द मेल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिलेटिंग टू सच मेल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको यहाँ पे तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बी एंड डी बी इज दे मोस्टली सफर फ्रॉम हाइपोगोनाडिज्म एंड डी इज दे हैव लोअर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग गोनाडोट्रोपिन्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मेड रिगार्डिंग द रोल ऑफ प्रोटीन ये स्टेटमेंट है इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फर्स्ट वाला करेक्ट है जिसमें ए बी सी तीनों को करेक्ट बताया गया है ए जो है अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू द एमिनो टर्मिनी ऑफ प्रोटीन्स मेक इट मोर रेजिटेंट टू डिग्रेडेशन अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू प्रोलिन रेसिड्यू स्टेबलाइजेस फाइबर ऑफ न्यूली सिंथिसाइज कोलाजन एंड सी इज एडिशन ऑफ शुगर Glycosylation makes protein more hydrophilic enabling protein-protein interaction. Question number 71, PR protein play important role during plant pathogen interaction. Column X represent some of the PR protein and column Y represent their main properties. So we match the following, the correct match of column X with the property in column Y is. तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट बताया दैट इज ए मैचेस विथ फोर बी मैचेस विथ सेकेंड सी मैचेस विथ फर्स्ट एंड डी मैचेस विथ थर्ड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखते फॉलोइंग अदर स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन वाई पेशेंट विथ एल्फा लिंक्ड हाइपर आइजी डिसिंड्रोम एक्सप्रेस नॉर्मल जीन फॉर देयर एंटीबॉडी सब टाइप बट फेल टू प्रोड्यूस आई जी जी आई जी ए और आई जी ई तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बताया गया है आपका ऑप्शन नंबर थ्री डेट इज एंड बी ए एन बी में ए में है आपका सी डी फोर्टी एक्सप्रेसड ऑन बी सेल इज डिफेक्टिव एंड बी है सी डी फोर्टी एल मीडिय पाइंडिंग ऑफ बी सेल टू टी सेल एंड सेंस को स्टिबुलेट्री सिग्नल टू द बी सेल फॉर सेल फॉर क्लास Switching. Seventy-three is also match the following the following information referred to the ecological interaction. We have to ma match X and Y. Isme option number two, correct but I get that is A matches with four, B matches with third, C matches with first, and D matches with second. Question number seventy-four dek tearsh. परफॉर्म द प्ले प्रेसर प्लेट एक्सपेरिमेंट टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियो आई इन एट सेल सी अर्जिन एम्ब्रियो यू ऑब्टेन नॉर्मल लार् लार्वे फ्रॉम दिज एम्ब्रियोज फॉलोइंग पॉसिबल कंक्लूजन इसमें से हमको करेक्ट इन्फ्रुएंस निकालना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इसमें भी ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट बताया गया है दैट इज बी एंड सी बी जो है सी अर्चिन एम्ब्रियो इज अ हारमोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम इम्प्लाइंग दैट सेल इंटरेक्शन इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट सी है प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ द ब्लास्टोमेयर इज ग्रेटर देन द एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन देख लेते हैं गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड और टेक्निक विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट एनिमल्स तो सेवेंटी फाइव में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट बताया दैट इज़ ए एंड सी ओनली ए इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंबाइनर्स फॉर हिट्रियोसिस ब्रीडिंग एंड सी जो है जीनोम एडिटिंग बाई स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन द प्रेजेंस ऑफ गाइड आर एन एज रिजल्ट एन एच ई जय रिजल्ट इन एन एच ई J mediated knockout and loss of function mutation. So, this was the last question.